राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के या फिर एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट के आपके रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जिन्होंने क्या है कि रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था क्योंकि उनके नंबर कम आए थे या फिर आपको अच्छा पेपर करने के बाद भी फेल कर दिया था। तो अभी उन्होंने फॉर्म भर दिया था एग्जाम्स का जो आपका रिजल्ट आने के बाद ही, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब आता है, कैसे हम रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम आगे की प्रोसेस क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आपका जो फॉर्म भरा है वो आपको एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके भरना है आपको, ठीक है। बाहर किसी भी साइबर कैफे से बाय पोस्ट कैसे भी आप फॉर्म नहीं भरना भाई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। एमडीयू में जाना आपको परीक्षा सदन के अंदर, रिवॉल्यूशन ब्रांच है, वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म जमा करवाना, आपके रिजल्ट की कॉपी बकायदा सारी चीजें आपकी वहां पे अटैच करके जमा करवाई जाएंगी। फिर आपको एक डायरी नंबर दिया जाता है 4 से 5 डिजिट का, ठीक है। वो आपका प्रूफ होता है कि आपने इस तारीख को इस डायरी नंबर के ऊपर आपका फॉर्म है वो सबमिट करवाया, ठीक है। अगर आप बाई पोस्ट भेज दे तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने भेजा था नहीं भेजा था, ठीक है। आपके पास स्लिप होगी पर यूनिवर्सिटी के पास तो नहीं पहुंचा, कई बार ऐसी दिक्कत बन जाती है भाई, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके पहली बात तो जमा करवाना होता है फॉर्म, ठीक है। जिस तारीख को आप फॉर्म जमा करवाते हो उसके 90 से 100 दिन के बाद आपका रिजल्ट है वो आता है, ठीक है। मिनिमम 90 से 100 दिन लगते हैं, ठीक है। अगर आपके ये है कि 90 से 100 दिन के तक भी रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, कुछ का 10 दिन में भी आ जाता है, 20 दिन में, 50 दिन में भी आ जाता है, 2 महीने में भी आ जाता है, कुछ का आपका 3 महीने लगा देता है, यानी कि 90 दिन, 90 से 100 दिन मैक्स टू मैक्स आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। अगर आपका 90 से 100 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि एमडीयू में जहां आप परीक्षा सदन में आपने रिवॉल्यूशन ब्रांच में अपना जो फॉर्म जमा करवाया था वहां पे जाके आपका डायरी नंबर बताना है कि सर मेरा ये डायरी नंबर है और मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो वो कब तक आएगा और क्यों नहीं आएगा वो आपको प्रॉपरली बता देंगे कि बेटा आपका रिजल्ट इस वजह से अटका हुआ या फिर अभी तक नहीं आया, इतने दिन में और आ जाएगा, ओके। इसके बाद मैं बता देता हूँ रिजल्ट चेक कैसे करना। आपको चेक करना, आपको एमडी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिजल्ट निकालना, सेम पुराने वाला ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डाल के आपको रिजल्ट निकाल देना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर आपका जो रिजल्ट का सरफेस होता है एमडी यूनिवर्सिटी लिखा, तो उसके बाद आपकी डिटेल होती है, नाम, फादर नेम आपका, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम कोर्स वगैरह सारी चीज लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद एक मस्टर्ड कलर की या फिर येलो येलो कलर की एक पट्टी होती है, ठीक है, जिसमें आपका राइट साइड में आपका क्या होगा कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है, ठीक है। मान लो आपका रिजल्ट आया था अगस्त में, उसमें लिखा मिलेगा 8 अगस्त 2024, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगी, वो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका नहीं होगा तो पुराने वाली ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ ये चीज है आपका रिवॉल्यूशन का रिजल्ट चेक करने की, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको वो चेक कर लेनी, अपडेट हो जाती। कई बार क्या होता है बच्चों का कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट सेम रहती है लेकिन आपके नंबर है वो भी सेम रहते हैं, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया। कई बार क्या होगा कि आपका नहीं है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बदल जाएगी पर नंबर नहीं बदलते, इसका मतलब है कि आपके पहले वाले ही नंबर है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका ना ही रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट चेंज होती है और फिर भी आपको क्या है कि रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है, तो वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्लिच होता है, उसकी आपको दिक्कत नहीं लेना। सिर्फ आपको अपना रिजल्ट अपडेट करवाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है देन आप आपकी जो मार्कशीट के लिए कॉलेज में बात कर सकते हो। सो आज की वीडियो में यही अपडेट देना था कि आपको 90 से 100 दिन के अंदर वेट कर लेना, अगर तब भी नहीं आता तो आप रिवॉल्यूशन ब्रांच में जाके बात कर सकते हो। आज की वीडियो में इतने, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी छोटी मोटी अपडेट है हम व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड करवाते रहे, ठीक है। उसमें आपका कोई नंबर कोई प्रोफाइल शो नहीं होती, ठीक है, 100% सिक्योर चीज होती है वो। सो आप जल्दी से जल्दी जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।